हाँ सर, आप ठीक है तो ठीक है सर? पहले ही तो हाँ अच्छा सर। था सर। हाँ सर, आपका तो आपका फोटो आप सर पढ़ाई ठीक करो, आया। अब डिस्टर्ब नहीं करो, पहले अच्छा था, अब मैं इसको बाद में कर लूंगा, अभी पढ़ तो लो, नहीं होगा तो मैं बड़ा बड़ा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ज्यादा इको नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं तेजी सर, तो नहीं आ रहा है सर, ठीक ही है सर। स्क्रीन पे देख नहीं पा रहे हो? सर पा रहे हैं सर, आप देख पा बताइए। रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो देखो ये बोला हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शंस, ये मेंशंस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डायग्राम बना लिए यहाँ पे कि कैसा डायग्राम होगा। और मेन प्रॉब्लम जो है ना वो इसके बाद था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एट आर इज, तो यहाँ देखो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहाँ इस पोजिशंस का, तो इस पोजिशंस में जितना भी चार्ज है, अगर हम चार्ज फाइंड कर ले और अगर हमारा गॉसियन सरफेस अगर हम देखे तो ये सब गॉसियन सरफेस बना ले जस्ट आउटर वाले सरफेस पे, अगर ऐसा हम लोग गॉसियन सरफेस बना ले तो फील्ड बोल ही रहा कि रेडियली आउटवर्ड है, फील्ड बोल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो ई डॉट डी एस का लाइन इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में जो तुम्हारा है सरफेस इंटीग्रल, सॉरी, वो चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज बस हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि टोटल चार्ज क्या होगा। तो टोटल चार्ज जो डेंसिटी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। अब जैसे इतना दूर का अगर कोई पूछेगा इतना दूर का चार्ज क्या है, तो डेंसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हमने पकड़ लिया सपोज Q1, इस चार्ज का नाम हमने दे दिया Q1, और इस वाले चार्ज का हमने नाम दिया जो वेरिएबल डेंसिटी है इसका नाम दे दिया Q2, तो टोटल जो चार्ज इंक्लोज्ड है यहाँ पे वो तो Q1 प्लस Q2 का ही सम है। समझ रहे हो यहाँ तक? बोलो। यस सर। अब Q1 तो सिंपल है, देख रहे हो कांस्टेंट डेंसिटी है, तो Q1 तो सिंपली हमारा आ जाएगा यहाँ से। डेंसिटी क्या है, डी है, देखो यहाँ पे डी, तो डी मल्टीप्लाई कितना वॉल्यूम है, तो स्फेरिकल रीजन ही है, रेडियस कितना है ए, तो क्या लिख दोगे 4/3 टाइम्स पाई आर क्यू की जगह ए क्यू हो जाएगा, तो ये तो हमारा Q1 निकल गया यहाँ से, Q1 निकल गया। अब Q2 को देखोगे कि Q2 कैसा है, तो Q2 तो वेरिएबल है उसका डेंसिटी, तो इसका वेरिएबल डेंसिटी कैसे है उसको जोड़ा हम लोग देखते हैं। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है कुछ नहीं, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है एक, तो y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म से, तो रो डेंसिटी हमने लिख लिया। स्लोप अगर देखोगे नेगेटिव स्लोप है, इधर से चलेंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो d डिवाइड बाई r माइनस a, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस हो जाएगा, r माइनस a, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो y इक्वल टू स्लोप लिख दिया क्योंकि नेगेटिव है स्लोप, माइनस और d डिवाइड बाई r माइनस a, ये हमने कर दिया। y इक्वल टू ऐसे लिख रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स, अब x के जगह क्या रखना है, x के जगह तो r रखना है और प्लस c, c नहीं पता तो मैं c को c छोड़ दिया। अब ये तो मालूम है कि r का वैल्यू कैपिटल R पे रो क्या है, जीरो है, तो ये भी तो मालूम है कि गिवन दैट r इज इक्वल टू कैपिटल R, रो इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ से c भी हम फाइंड कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट रिलेशन आ जाएगा, तो जीरो पुट कर दिया हमने यहाँ पे,
और R का वैल्यू कैपिटल R कर दिया। अब ये क्या था तुम्हारा, हाँ तो माइनस डी डिवाइड बाई आर माइनस ए और मल्टीप्लाई कैपिटल आर यहाँ का वैल्यू कर दिया, तो यहाँ से सी निकल गया आ गया। तो हमारा सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी डी आर डिवाइड बाई आर माइनस ए, ये सी निकल के आ गया। अब अगर यहां से देखोगे कि हमारा वेरिएबल डेंसिटी रो एग्जैक्ट आया कैसे, तो यहां से लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज छोड़ दो, माइनस डी आर डिवाइड बाई आर माइनस ए एंड प्लस सी है, और प्लस सी है वहां पे ऐसे कर दो डी टाइम्स कैपिटल आर एंड डिवाइड बाई आर माइनस ए, तो ये हमारा एग्जैक्ट वेरिएबल डेंसिटी मिल गया। किस रीजन का, सेकंड पार्ट वाले रीजंस का। यहां तक सबको क्लियर? हाँ सर, सबको क्लियर है यहां तक। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ का फील्ड चाहिए, यहाँ का फील्ड चाहिए, तो इसके अंदर जब तक टोटल चार्ज मालूम नहीं होगा हम फाइंड नहीं कर सकते। अब डेंसिटी वेरिएबल का है बट आर इज इक्वल टू कैपिटल ए तक ना कॉन्स्टेंट डेंसिटी है, तो वॉल्यूम से सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, और जहाँ वेरिएबल डेंसिटी है तो किस तरीके से वेरी कर रहा है ना वो आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, हमने अपना इंटरसेप्ट भी सारा कुछ फाइंड कर लिया। यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ, तो Q2 क्या आ जाएगा, अगर Q2 फाइंड करो तो डेंसिटी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से, छोटा सा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, और स्फीयर में छोटा सा वॉल्यूम बहुत बार ले चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी आर, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे। कहाँ से कहाँ है ये, पूरा जीरो से नहीं, यहाँ से है, और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है ए, और ए से कहाँ तक जाएगा, कैपिटल आर तक जाएगा, ए से जाएगा ये तुम्हारा कैपिटल आर तक, क्योंकि वहीं तक तो चार्ज है। अब रो का वैल्यू पुट कर देंगे वहां से उठा के हम लोग, तो रो का वैल्यू पुट कर देंगे, तो रो है तुम्हारा, पहले प्लस वाला लिख देता हूँ, डी आर डिवाइड बाई आर माइनस ए, डी एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन नहीं है, और माइनस टाइम्स डी आर डिवाइड बाई आर माइनस ए, ये हो गया हमारा रो, मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसी का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ, ए से लेके आर तक। तो Q2 अब हमारा आराम से दिख रहा है कि यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा Q2। तो जो कांस्टेंट टर्म है, R को मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि वो लग रहा है डिफरेंशिएशन जैसा, इसलिए RD कर दिया, R माइनस ए, ये कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, 4 पाई भी बाहर हो गया, और देखो R स्क्वायर और DR यही तो वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यू बाई थ्री, दैट्स व्हाई मैंने 1/3 कर दिया, और आर क्यू लिखना है तो आर क्यू का लिमिट भी डाल दो, तो कैपिटल आर क्यू एंड माइनस ए क्यू लिमिट डाल दिया, इसका इंटीग्रेशन कर लिया फर्स्ट पार्ट का, इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्लियर है सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में 4 पाई यहां से बाहर निकाल दिया, और डी भी बाहर निकाल दिया, और आर माइनस ए भी बाहर निकाल दिया, बचा क्या, देखो ये वाला आर और ये आर स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या दे देगा आर क्यू, तो R क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा R टू द पावर 4/4, तो 1/4 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ R टू द पावर 4 एंड माइनस लोअर लिमिट था क्या A, तो A का पावर 4 ऐसे कर दिया। यहाँ तक इंटीग्रेशन क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर। दिखाने छिप गया सर, क्लियर है, देखो दिख रहा है, सिंपल वाला इंटीग्रेशन ये, जिसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो Q2 का वैल्यू ये देखो AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ का कुछ फॉर्मूला याद है तुम लोग को, बोलो सर क्या होता है? यस सर, सर A माइनस B, A माइनस B इनटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, A माइनस B कॉमन आता है ना। हाँ सर, हाँ सर, ए माइनस बी, देखो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ ए माइनस बी, तो अगर मैं इसको इसके साथ अगर कैंसिल कर दू तो ए माइनस बी तो चला जाएगा, और बचेगा क्या, जल्दी बताओ फॉर्मूला, ए स्क्वायर यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही बोल रहे हो ना सब? हाँ सर, हाँ सर। अब यहाँ देखो ये अगर मैं इसको ऐसा कर दू, आर का पावर 4 है,
इधर जो है ना वो r का पावर 4 है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। yes, तो उसको लिख सकते हैं a प्लस बी, ए प्लस बी कर दिया और फिर कर दिया ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत लिखने में? नहीं सर। अब यहाँ देखो ये इसको ना इससे काट देंगे और बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर नहीं सॉरी, ये बच जाएगा तुम्हारा एक तो स्क्वायर, एक तो आर माइनस ए चला गया तो बचा क्या आर प्लस ए, ऐसा ही बच गया। यहां तक क्लियर? तो क्यू टू का वैल्यू देखो अब बेटा क्या आ गया, यहां से अगर देखोगे तो क्यू टू का वैल्यू आ गया आर डी फोर पाई बाई थ्री, आर डी फोर पाई बाई थ्री, और इधर में बच गया तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ए आर एंड प्लस ए स्क्वायर। लेकिन ये फाइंड क्यों कर रहे हो, यहां तो दिया हुआ है ना कि टोटल चार्ज जेडी है, बोलो देखो दिख रहा है यहां पे सब लोग को? हाँ सर। यहां देखो टोटल चार्ज क्यू वन प्लस क्यू टू का, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू ही तो तुम्हारा क्या है JD है ना, बोलो। हाँ सर। सबको समझ में आया? जब JD के टर्म में नहीं रहता तब तो फाइंड करते, तो एक बार क्वेश्चन को तो देख लो JD के टर्म में है कि नहीं, बस रिलेशंस तो ढूंढ रहा है। तो टोटल चार्ज जो भी है वेरिएबल डेंसिटी अंदर जो भी डेंसिटी है टोटल चार्ज तो तुम्हारा JD ही है। तो यहाँ पे अगर गॉसला से लिखोगे तो e मल्टीप्लाई फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूज क्या हो गया JD एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। तो कहीं पे भी ये दिख रहा है नहीं, तो e का वैल्यू टोटल क्या हो गया JD डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फील्ड आ गया। अब ये तो सिंपल था, पूछ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर स्क्वायर टू आर पे इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ये गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ये भी गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए ये भी गलत है। तो यहाँ पे तो बोल ही दिया था कि टोटल चार्ज क्या है जेडी है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ, बोलो सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में मान लो हमको जेडी नहीं देता, बोलता कि कुछ है अमाउंट चार्ज का, जैसे देखो जेडी भी दिया हुआ है और वेरिएबल डेंसिटी भी दिया हुआ है, अगर पूछता कि टोटल चार्ज बता दो तो क्यू वन हमको यहाँ से निकल गया था, ये वैल्यू हमारा था क्यू वन, अगर ये देखो तो ये है तुम्हारा क्यू वन, ये क्यू वन है और क्यू टू हमारा यहाँ से निकल गया था, ये क्यू टू निकल गया था। तो अगर जेडी के टर्म में नहीं रहता है, बोल देता कि कुछ चार्ज है आप टोटल चार्ज बता दो या फील्ड पूछता, तो हम यहाँ से अपना Q2 भी फाइंड कर लेते और कुछ नहीं, अब सिंप्लीफाई करना है Q2 को और Q1 प्लस Q2 का वैल्यू पुट कर देते, बट पहले क्वेश्चंस कर लो। ऐसा एग्जाम में भी होता है, ध्यान से, मैं तो थोड़ा इसमें बिजी हो गया ना, कैसे ठीक करूं मैंने पढ़ा नहीं। आफ्टर दैट जब यहाँ पे इतना टाइम लग रहा था तो सोचा क्या कि ऐसा क्वेश्चंस तो पूछता नहीं, एडवांस एडवांस का पूछा हुआ है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फिर मैंने देखा क्या कि ये तो जड़ी दिया हुआ है, अब जड़ी दिया हुआ है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसमें देखो दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरे में भी जरूरत नहीं है, बोला ये फोर ए इज इक्वल टू जीरो, तो देखो ग्राफ क्या था, बोला ए का वैल्यू जीरो कर देना है, मतलब ए यहाँ नहीं रहेगा, अब ए यहाँ आ गया तो ए का वैल्यू अगर जीरो कर दोगे तो ग्राफ जो तुम्हारा है ना अब कैसा शिफ्ट हो जाएगा, देखो इधर है आर और इधर है रो, ए का वैल्यू जीरो कर दोगे तो ग्राफ तो तुम्हारा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा।
अब यहाँ तो डी रहेगा ही और यहाँ पे आर का वैल्यू कैपिटल का, देखो हमने क्या कर दिया, हमने बस ए का वैल्यू जीरो कर दिया, ए का वैल्यू जो यहाँ है ये क्या हो गया, ए देखो यही टर्म था ए, इसको ना स्लाइटली यहाँ पे ऐसे ऐसे कर करके यहाँ ले जाओ, तो ये जो पूरा ग्राफ जो ये वाला स्ट्रेट लाइन था इंक्लाइन जो नेगेटिव स्लोप है ये सब घसक के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इसका टॉप लेवल कहाँ चला जाएगा, डी पे चला जाएगा, डी पे चला जाएगा इसका, तो उसी तरह हमने इस ग्राफ को ना यहाँ पे शिफ्ट कर दिया डी पे। अब बोला क्या कि फॉर ए इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ डी, फिर लेगा डी का वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन द डायग्राम इज, वही तो है डी, अब डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो जितना भी चार्ज है इसके अंदर वही तो टोटल चार्ज, चार्ज इनक्लोज क्या है टोटल, वही तो जेडी है, टोटल चार्ज क्या है जेडी है। तो अब अगर हम जैसे अभी क्यू टू जो फाइंड कर रहे थे ना तो उसमें अब लिमिट भी चेंज कर जाएगा, अगर डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है अगर उसको देखो तो अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, या फिर डी बाई आर डिवाइड बाई आर बाई कैपिटल आर, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, ये भी, या फिर डेंसिटी के टर्म में लिख लो स्लोप कैसा, तो माइनस डी बाई आर इंटर और कैपिटल स्मॉल आर x हो गया और इंटरसेप्ट क्या है डी, तो हमने एक लाइन में लिख दिया डेंसिटी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यहाँ कोई कंफ्यूजन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबको क्लियर? यस सर क्लियर है। अब अगर डेंसिटी मिल गया तो तुमको बस टोटल चार्ज चाहिए, तो डेंसिटी में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, छोटा सा वॉल्यूम से 4 पाई आर स्क्वायर डीआर से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल चार्ज जेडी दे देगा, कहां से कहां, जीरो से कैपिटल आर तक है। अब ये इसका इंटीग्रेशन जो है ना वो सिंपल है इसलिए दिया भी है, तो माइनस डी बाई आर बाहर कर दिया और पहले लिख लो प्लस डी और फिर क्या लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसी का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां, जीरो से कैपिटल आर। अब जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो माइनस ये देखो ये डी बाई कैपिटल आर था, यहां फिर मिस्टेक हो जाता, माइनस डी बाई कैपिटल आर बाहर कर दिया, 4 पाई भी बाहर कर दिया, ये वाला 4 पाई और आर स्क्वायर और एक और आर है यहाँ पे, तो आर का पावर क्या हो गया क्यू डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना है जीरो से कैपिटल आर। फिर दूसरा जो पार्ट था वो डी और 4 पाई बाहर आ गया, तो डी टाइम्स 4 पाई बाहर लिख दिया हमने, और आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करना है हमको, बस आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कहां से कहां, जीरो से आर। अभी टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है जेडी, तो जेडी का वैल्यू आ गया ये देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर का पावर 4/4, पहले लिख दो माइनस डी बाई आर मल्टीप्लाई 4 पाई, और यहाँ लिमिट भी डाल देते हैं, जीरो है ना लोअर लिमिट, तो आर का पावर 4/4 कर दिया प्लस 4 पाई डी लिख दिया। अब इसका हो जाएगा आर का पावर q/3। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको सिंपली कैंसल आउट कर दो, इससे ये चला गया आर क्यू। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो जेडी इधर है तुम्हारा, अब यहाँ पे डी टाइम्स 4 पाई बाहर आ गया और देखो आर क्यू भी बाहर आ गया, तो यहाँ है तुम्हारा -1/4, यही देखेगा -1/4, और यहाँ है तुम्हारा 1/3, कैलकुलेशन देखते जाना, यहाँ है 1/3, तो अब जेडी का वैल्यू हो गया तुम्हारा 4 टाइम्स आर क्यू पाई और डी 1/3 -1/4 1/12, तो ये कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। अब ये 4 3s are 12 times कैंसिल हो जाएगा, तो जेडी का वैल्यू हो गया आर का पावर क्यू टाइम्स पाई और ये डी रह गया और नीचे में 3 हो गए। तो अब पूछा था तुमसे क्या डी का वैल्यू बताओ, तो डी हो गया 3 times जेडी डिवाइड बाई पाई टाइम्स आर क्यू, यही डी का वैल्यू पूछती है, तो 3 times जेडी डिवाइड बाई पाई टाइम्स आर क्यू, तो कौन सा दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन, क्लियर हुआ ये आपको? हाँ।
अब ये देखो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, अगर तुम अपना सब कुछ सही से समझ के प्रॉब्लम करना है तो एडवांस के प्रॉब्लम भी आसानी से बनते हैं। बट अगर एडवांस के प्रॉब्लम में देखोगे अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा, जैसे यहाँ पे बहुत ग्राफ राफ बनाया हुआ था, बहुत स्टूडेंट्स क्या किए कि क्वेश्चन को देख के समझे ही नहीं, तो फिर इसलिए ध्यान से ना क्वेश्चन को भी पढ़ना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो अगेन फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ? हाँ सर। सब लोगों को पहले का आंसर क्या? हाँ सर। पहले का आंसर पहला, दूसरे का आंसर क्या? सेकंड। क्वेश्चंस बैंक में देखोगे, हम लोग आज तो हमने डाल भी दिया है क्वेश्चंस बैंक। हाँ सर। तो वहां पे भी देखोगे, उसमें चैप्टर वाइज भी है, छाटा भी हुआ है और ईयर वाइज भी है, दोनों है। तो चैप्टर वाइज जैसे पढ़ते जा रहे हो वैसे उसका प्रॉब्लम भी देखते जाओगे। ऐसे जितने भी है पीवाई की आईटी एडवांस के अच्छे से जितने भी प्रॉब्लम है सब मैं करा ही दूंगा। अब नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है, और आज मैनेज कर लो क्योंकि थोड़ा अच्छे से सेटिंग करना पड़ेगा इसमें। और बताओ और कौन सा करना है? एक और ना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस इज ऑब्जर्व्ड लिनियरली डिपेंड ऑन आर दिस इंप्लाई। एक देखो इसमें एक और था, ये इसी का पार्ट है ना? हाँ सर। है एक पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था, और ये पैराग्राफ का था। पैराग्राफ का मतलब तीन प्रॉब्लम, मतलब समझ लो अच्छे मार्क्स का। अब थर्ड में क्या है उसको देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लिनियरली डिपेंड ऑन आर, दिस इंप्लाई आर का वैल्यू क्या होगा। अब फिर से वापस आ गया उस प्रॉब्लम पे, फिर से वापस क्या आ गया इसने, अब बोला क्या कि जो एक्चुअल ग्राफ था फिर से वापस चले जाओ एक्चुअल ग्राफ पे। तो एक्चुअल जो ग्राफ था इसका, उसमें तो कुछ डिस्टेंस तक तुम्हारा कांस्टेंट था और आफ्टर दैट वैरी कर रहा था। एक्चुअल ग्राफ तो यही था इसका, यहाँ पे डी दिया हुआ था और यहाँ पे कैपिटल आर, और यहाँ पे बोल रखा था कि यहाँ पे जो वैल्यू है स्मॉल आर का वैल्यू ए है। तो अब देखो ये किसके लिए बात कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली एब्जॉर्ब टू लीनियरली डिपेंड्स ऑन आर। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर का है ना वो आर का फंक्शन है, तो इसका मतलब बोल रहा है तो फिर बता दो ये ए का वैल्यू क्या होगा। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फेरिकल पोर्शंस में लिनियरली वैरी करता है आर का, ऐसा कुछ याद आया? रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट याद आया? हाँ सर, हाँ सर। लीनियरली ग्राफ भी किए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लीनियरली वैरी तभी करता है जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट, तभी ना वैरी करता है स्फेरिकल रीजन का फील्ड। इसलिए बहुत बार फॉर्मूले पे भी हम लोग बहुत डिस्कस किया, बोला है कि फॉर्मूले सब याद रहना चाहिए। आप इसको जो मन सो करोगे तो फिर वही फंस जाओगे, प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मतलब अब ए भी आ गया, कैपिटल आर था, कैपिटल आर न्यूक्लियस का रेडियस था। न्यूक्लियस इज जनरली एब्जॉर्ब टू बी लीनियरली डिपेंड ऑन स्मॉल आर, मतलब सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी जा रहे हैं न्यूक्लियस में, कहीं पे भी न्यूक्लियस के अंदर। मान लो इतना कैपिटल आर हमने ले लिया, ये हमारा है कैपिटल आर। अब यहां तक चार्ज है, बहुत सारा है चार्ज अपना। अब बोला चार्ज का वेरिएशन जो हो रहा है ना वो इसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, बोल रहा है कि डेंसिटी यही है, आर का फंक्शन है, ऐसा बोल दिया। लेकिन उसके बाद क्या बोल दिया कि नहीं अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा, अब बोला क्या कि अगर फील्ड अंदर में आर का फंक्शन है लिनियरली डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो बोलना चाह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्मॉल आर होगा। तो ये ऐसा फील्ड कब पॉसिबल है? ऐसा फील्ड तभी पॉसिबल है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल रीजन में क्या हो, कांस्टेंट। अब चार्ज का वैल्यू सर्कल रीजन में अगर कांस्टेंट है तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जल्दी सोच के बता दो। ए का वैल्यू क्या कर दोगे, ए का वैल्यू कैपिटल आर तक में शिफ्ट कर दोगे। ए का वैल्यू जब कब तक डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ देखो ये सब ये सब ये सब क्या है, कांस्टेंट डेंसिटी है, दिख रहा है कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर। तो इस ए को कहाँ तक शिफ्ट करना चाहोगे कि ये
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाए, तो इस ए को अब हम लोग कर देंगे, अब ऐसा बोल देंगे कि अगर ऐसा ये तभी पॉसिबल है जब डेंसिटी ऐसे कॉन्स्टेंट वेरी करे, और ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैपिटल आर। ए को हम स्लाइटली स्लाइटली बढ़ा बढ़ा के कैपिटल आर तक लेके चले जाएंगे, डेंसिटी हो गया अब हमारा कॉन्स्टेंट, और डेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो तभी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये क्लियर हुआ, ये समझे? हाँ सर, जब तक टोटल जो स्पेयर होगा उस स्पेयर के अंदर जितना देर रहेगा उतना तक उसका डेंसिटी कांस्टेंट है। हाँ फिर से बोलो प्लावर। सर बोल रहे हैं कि जब तक एक स्पेयर के अंदर रहेगा मतलब ए इक्वल टू आर तक, हाँ, उसका डेंसिटी मतलब तब तक ही कांस्टेंट रहेगा। नहीं तुम समझे नहीं, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो पहले जो प्रॉब्लम दिया था ना वो फील्ड के बारे में पूछ रहा था और डेंसिटी दिया हुआ था। अब ये थर्ड जो प्रॉब्लम है ना इसमें क्या बोला कि डेंसिटी जैसा है वैसा तुम अब बाद में बताना, पहले ये जान लो कि फील्ड कैसा है। तो उसने बोला कि जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर न्यूक्लियस के अंदर में हमको चलना है, विद इन द न्यूक्लियस, आर बाहर नहीं करना है। आर कहाँ रखना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, विद इन द न्यूक्लियस। मतलब अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, इतना सा पोर्शन कैपिटल आर तक का ये न्यूक्लियस का पोर्शन है, तो हमको अंदर ही रहना है, इसी में कहीं ना कहीं रहना है, बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। ये बोला, और बोला कि जब अंदर है तो जो फील्ड है वो अंदर का फील्ड जो है वो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ऐसा बोल दिया इसने। डिपेंड्स लीनियरली, डिपेंड्स अपॉन आर, लीनियरली मतलब आर का पावर वन होगा और लीनियरली तो ऐसा ही फंक्शन हो गया। इसमें ये बोल दिया कि अंदर में जब कहीं पे भी जा रहे हैं तो फील्ड जो है वो आर का फंक्शन है। तो कुछ याद आया कि स्फेरिकल रीजन में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और फील्ड अगर लिनियरली डिपेंड अपॉन आर कर रहा है तो ऐसा तो तभी होता था, मालूम है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली चार्ज है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट होता है, तभी तो तुम्हारा आर का फंक्शन होता है। इसका मतलब अंदर में थ्रू आउट डेंसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये मतलब हुआ ना। यहां तक समझे, बोलो। हाँ सर। अब अगर अंदर में डेंसिटी कांस्टेंट है तो फिर अब ग्राफ को देखो, उसके हिसाब से पूछ रहा है कि ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो ए का वैल्यू अगर जीरो कर दोगे तो अभी देखो जीरो कर दिया था तो ऐसा आ गया था, यहाँ तो वेरिएबल डेंसिटी है ना, बोलो। हाँ सर। तो ए का वैल्यू कांस्टेंट, ए का वैल्यू क्या कर दे कि डेंसिटी हमारा थ्रू आउट द न्यूक्लियस कांस्टेंट हो जाए। न्यूक्लियस कहाँ तक है, कैपिटल आर तक ही है ना। तो इस ए को अगर हम यहाँ बढ़ा दिए तो ये देखो यहाँ तक ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर ए को और बढ़ा दो तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा। इस ए को अगर हम कैपिटल आर तक लेके चले आएंगे तो डेंसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं बन जाएगा। सर समझ गए, बोलो। हाँ सर समझ गए। हाँ समझ गए, बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। मैं सिंपली बोल दिया कि ए का वैल्यू क्या होगा, कि ऐसा रिलेशन आएगा तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैपिटल। ये सबको क्लियर, ये अच्छा प्रॉब्लम था। अब जैसे यहाँ देखो डेंसिटी वेरिएबल दिया हुआ है, आर का पावर ए है डेंसिटी, ये पहले से भी मालूम है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तभी होता है जब डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो स्फेरिकल रीजंस में। अब ये क्लास में कराया है वेरिएबल डेंसिटी का, याद आया कुछ? हाँ सर। यस सर कराया। एक बना लिए हो सब लोग? हाँ सर। यस सर बन गया था। यस सर बन गया था। हाँ ऐसा क्लास में भी किया था, ये हुआ है? यस सर ये बन गया था। इसमें एक सिलेंडर लोगे, उसके बाद स्फेरिकल चार्ज को ना, सर वो पिछले वाला जो 3 दिखा वो नहीं हुआ था, ये वाला नहीं हुआ था? नहीं सर। चलो अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया होना चाहिए था ना, ऐसा क्लास में हमने किया है सर। मतलब मैंने आंसर निकाला है, पता नहीं सही है कि ठीक है, देख लो अभी कर लेते हैं। बोला सॉलिड स्फीयर रेडियस आर हैज ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ है। बोला क्या कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें टोटल चार्ज जो है ना वो क्यू है, इतना मालूम है कि टोटल चार्ज क्यू है।
बट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी है के टाइम्स आर का पावर, ऐसा है कि कोई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो मान लो यहां से डिस्टेंस ले लो, यहां से आर ले लिया और यहां का डेंसिटी बोल दिया यही है, रो टाइम्स रो इज इक्वल टू के टाइम्स आर का पावर है, ये डेंसिटी हो गया। फिर पूछा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू इज वन बाई एट टाइम्स दैट ऑफ आर इज इक्वल टू आर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर का बात करोगे, ई एट कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का बात करोगे पहला, तो टोटल चार्ज तो मालूम ही है ना, तो डायरेक्ट गौसला से लिखोगे ई मल्टीप्लाई फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका नाम दे दिया हमने ई वन सरफेस का, तो ई वन का वैल्यू आ गया क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पहला हो गया। अब बोल रहा आर बाई टू वाला पे फील्ड फाइंड करो, तो फिर से आर इक्वल टू आर बाई टू पे गॉसियन सरफेस बना लोगे, अब बस इतने ही चार्ज से मतलब है। तो अब दूसरा अगर फाइंड करना है आर इक्वल टू आर बाई टू का ई टू एट आर इक्वल टू आर बाई टू, तो फिर से ई टू टाइम्स रेडियस है आर बाई टू, तो एरिया हो गया फोर पाई आर बाई टू का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई फोर और चार्ज इंक्लोज फाइंड करना है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इंक्लोज वेरिएबल डेंसिटी है, तो चार्ज इंक्लोज डेंसिटी कितना है के टाइम्स आर का पावर है ये लिख दिया, और छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम फोर पाई आर स्क्वायर डी आर बहुत बार किया हम लोग, इसी को इंटीग्रेट कर दोगे चार्ज इंक्लोज आ जाएगा कहाँ से कहाँ, टोटल नहीं जीरो से आर बाई टू तक का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ चार्ज इंक्लूज हम लोग को आ जाता है। तो कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लो, तो के बाहर आ गया फोर पाई बाहर आ गया और आर का पावर क्या बच गया ए प्लस टू, प्लस टू ये बच गया, इसी का इंटीग्रेशन करना है जीरो से आर बाई टू, तो चार्ज इंक्लूज आ गया हमारा। अब ये क्या है के टाइम्स फोर पाई और R का पावर एक ऐड हो जाएगा और नीचे में भी एक ऐड हो जाएगा, तो A प्लस थ्री हो जाएगा और ये R बाई टू कर दो बस का पावर A प्लस थ्री। देखो तो यहां तक क्लियर सबको, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन वही कर दिया हमने, तो ये R का पावर R लिमिट डालोगे ना तो आर आर बाई टू है, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ई टू का वैल्यू यहाँ चार्ज इंक्लोज लिख देते हैं, ई टू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ई टू टाइम्स फोर पाई, अब ये तो फोर फोर चला गया ना, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया इज इक्वल चार्ज इंक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इंक्लोज यहाँ देख लो, इसको ना के टाइम्स फोर पाई और आर का पावर ए प्लस थ्री लिख देते हैं और नीचे में भी ए प्लस थ्री कर देते हैं और फिर टू का पावर ए प्लस थ्री कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, ये पाई पाई को सबसे पहले तो कैंसिल कर दिया हमने। अब ई टू को अगर यहां से देखोगे तो जड़ा देख R का पावर टू है तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा K फोर तो बच गया इसका, अब R का पावर थ्री से टू निकाल दो तो A प्लस वन लिख सकते डिवाइड बाई A प्लस थ्री और फिर यहाँ है टू का पावर A प्लस थ्री, ये E2 आ गया हमारा दूसरा, ये दूसरा E2 आ गया। अब गिवेन क्या है, गिवेन है इलेक्ट्रिक फील्ड आर बाई टू पे वन बाई एट टाइम्स है, तो आर बाई टू का फील्ड यही है क्यू डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये कितना है वन बाई एट टाइम्स इसका आर इज इक्वल टू आर का, नहीं ये तो हमने उल्टा लिख दिया ना, देखा करो। हाँ सर, वही बोलने वाले थे सर। गिवन क्या है, गिवन है तुम्हारा कि E2 जो है ना वो 1 by 8 times E1 है, ये गिवन है ना,
r by 2 का हमने नाम क्या दिया है e2, तो e2 का वैल्यू पुट कर देते हैं बस 4k और r का पावर a प्लस 1 एंड डिवाइड बाई a प्लस 3 और ब्रैकेट 2 का पावर a प्लस 3, ये e2 लिख दिया एंड दिस वन इक्वल टू 1/8, तो 1/2 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और e1 का वैल्यू है q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही है। तो पूछ रहा है क्या कि a का वैल्यू बता दो, और k एंड a कांस्टेंट था तुम्हारा दिया हुआ, तो जरा यहाँ देखो बाकी सब तो कांस्टेंट में चला गया, वेरिएबल को देखो जरा, ये देखो 2 ये सब क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल को देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे कैपिटल आर वाले टर्म को जरा देखो, तो a प्लस 1 आर के लिए सिंपलीफाई कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आर का पावर क्या है a प्लस 1, उसको माइनस 2 के बराबर होना पड़ेगा, होना होगा। तो a का वैल्यू क्या होना पड़ेगा माइनस 3, अब a का वैल्यू माइनस 3 कर देते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अगर माइनस 3 कर दोगे टाइम्स दैट ऑफ r, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इफ इलेक्ट्रिक तब तो माइनस 0 आ जा रहा है डिनोमिनेटर, हाँ वही तो दिख रहा है, a प्लस 3 कैंसिल, a प्लस 3 डोमिनेट नीचे में टर्म में तुम्हारा तो वो जीरो हो जाएगा, तो फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लिखा हुआ है के बारे में तो बोला नहीं ना कुछ, तो के को सिंपलीफाई कर लो ना, के को यहाँ से ऐसे सर इधर तो बस ए का ही वैल्यू निकालने बोला है, के को सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना, देखो अभी के को भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, टोटल चार्ज क्यू है ना, तो वो के टर्म में आ जाएगा, यहां से कर लो, एक काम थोड़ा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि जो टोटल क्यू है वो टोटल क्यू किसका इंटीग्रेशन है, जीरो से कैपिटल आर का इंटीग्रेशन है ना, बोलो हाँ सर, जीरो से कैपिटल आर, बाकी सब यही कर देंगे हम, तो के टाइम्स आर का पावर यहाँ क्या था, ए था ना, ए था और ये 4πr² dr, तो हम यहाँ से k को जब तक हटाएंगे नहीं ना तब तक एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो k को भी हटाना पड़ेगा तभी तो एग्जैक्ट रिलेशन डेवलप कर पाएंगे ना, तो देखो k तो बाहर आ गया, बस इसमें लिमिट ही तो चढ़ाना है, तो k टाइम्स 4π डिवाइड बाई a प्लस 3, ये तो बस सेम है वैसा ही है, बस जीरो से r बाई 2 का नहीं, जीरो से r का लिमिट डालना है, तो ये हो जाएगा आर का लिमिट ए प्लस 3, देखो तो क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर, हाँ सर, तो अब या तो क्यू को इलिमिनेट कर दो और नहीं तो के को इलिमिनेट कर दो, तो मैंने यहाँ क्यू को इलिमिनेट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ क्यू को मैंने कैंसल आउट करके इलिमिनेट कर दिया, और क्यू का वैल्यू क्या कर दिया हमने, अब के टाइम्स 4π डिवाइड बाई a प्लस 3 एंड r का पावर a प्लस 3, अब लिख सकते हैं, बोलो तो अब देखो, अब जैसे हम a प्लस 3 को कैंसिल आउट करेंगे ना, तो वहां से हम लोग बोलेंगे कि a शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है ये, जैसे ही कैंसिल आउट किया ना वहां पे सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ गया, a कभी भी माइनस 3 नहीं हो सकता है, ये बात क्लियर सबको, हाँ सर। अब ये k और 4 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये पाई, ये पाई को कैंसिल कर दिया, तो अब जरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बच्चा, r का पावर a प्लस 1 और नीचे क्या बच्चा 2 का पावर a प्लस 3, फिर इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर क्या बचा r का पावर a प्लस 3 ऊपर में बचा है, देखो ठीक है, हाँ में क्या है, देखो एक और r का पावर 2 है ना, यहाँ तो a प्लस 1 हो जाएगा,
माइनस टू कर दिया, और नीचे देखो क्या एक और यहाँ पे फोर दिख रहा है चुपके से, तो टू का पावर थ्री है और टू का पावर टू, तो यहाँ पे क्या कर देना टू के पावर में फाइव, तो अब जरा देखो ए प्लस वन इधर आया और इधर भी ए प्लस वन आया, आया आर को अगर एलिमिनेट कर दो तो देखो ये क्या कट के आया, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि उधर स्पेस नहीं है, तो मैं इधर ब्लू से लिख देता हूँ, आर का पावर ए प्लस वन एंड डिवाइड बाई टू का पावर ए प्लस थ्री, और इधर भी आया आर का पावर ए प्लस वन, थ्री माइनस टू को वन कर दिया, डिवाइड बाई टू का पावर फाइव, यहाँ तक क्लियर सबको? हाँ सर। तो अब यहाँ से सिंपलीफाई कर सकते हो कि a प्लस थ्री डेट विल बी इक्वल टू फाइव, डिसिंपलाइज a इज इक्वल टू टू, करेक्ट आंसर हो गया a इज इक्वल टू टू, तो टू आया था तुम लोग सर ऊपर वाले को नहीं करेंगे इक्वेट किसको a a r टू द पावर a प्लस वन, मतलब a प्लस वन इज इक्वल टू a प्लस वन और a प्लस वन तो सिंपल, अच्छा वो तो कट जाएगा, ये तो एक ही बात है ना, हाँ हाँ सर ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आर का पावर ए प्लस वन है, राइट हैंड साइड में भी आर का पावर ए प्लस वन, वहां से तो कुछ आया नहीं, ए का वैल्यू टू कर दो तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, और यहाँ से सिंपलीफाई होके आ गया ए का वैल्यू कितना टू, क्लियर हुआ सबको? क्लियर हाँ सर। यहाँ पे भी क्या है, बस वेरिएबल डेंसिटी का क्लास में कराया है, एक समय था जब वेरिएबल डेंसिटी बहुत ज्यादा पूछता था, बट अभी नहीं ज्यादा पूछता है, गॉस लॉ पूछता है, और गॉस लॉ का तो हमने किया था, अच्छे से प्रॉब्लम कर लिया था, जैसे ये भी देखो वेरिएबल डेंसिटी ये भी था, इसमें बहुत डांट खाए थे तुमने, बट उस दिन मैंने कुछ डिसाइड भी किया था कि उतना नहीं डांटूंगा, अब उतना नहीं डांटूंगा क्योंकि उस दिन ज्यादा इरिटेट कर दिए थे तुमने। 16 नंबर प्रॉब्लम ये बनाए हो? हाँ सर ये बन गया। क्या किए हो बताओ, कौन कौन क्या किए हो बताओ? हाँ सर किए हैं। क्या किए हो बताओ सर? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किए हो, और कोई कुछ किया है सर? सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट के साथ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी, क्यों ऐसा किया सर? वो प्रेशर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाए थे उसको सर, हम भी उसी से ही किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाया था, बट और भी कुछ पढ़ाया था याद करो सर, मतलब रेडियस आर था और सरफेस डेंसिटी सिग्मा, और भी कुछ बताया था याद करो, प्रेशर से क्यों करेंगे, प्रेशर से नहीं करेंगे ना, गलती से भी आंसर आ गया, और भी कुछ बताया था मैं, थोड़ा थिंक करो, और मैं बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको, और किसी भी दोस्त को दोगे ना जो बहुत इरोडो ये सब बनाता है ये सब करता है ना, मैक्सिमम बच्चे जो है जो कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ के रखते हैं बस इंटीग्रेट ही करेंगे, बट मैंने बताया तुमको कि कब इंटीग्रेट नहीं करना है, याद करो कुछ, कौन बोलेगा, चलो थिंक करो जल्दी, तो मैंने कुछ गॉस लॉ में बोला था कि जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहे तो बहुत आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है या फोर्स निकल जाता है, याद करो कुछ, नहीं याद आया सर? मैंने कैसे किया है बोले? हाँ बोलो सर, वो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ सही है, यहां तक सर उतना तक तो सही है, और वहां से क्यू का वैल्यू निकल दिया तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, और E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R square. ये कब होता है? किसके लिए फील्ड ये होता है बताओ? कहीं भी कैसा भी चार्ज रहेगा Q, सबका Q divided by 4 pi epsilon naught R square हो जाता है, बोलो
ये तो बस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस का फील्ड है ना। हाँ तो हम बोलो। हाँ सर। ये तो तब होता है ना कि ये क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे कोई फील्ड पूछेगा तो बोल देंगे कि क्यू बाई आर स्क्वायर, यही बोल रहे। या एक स्फेरिकल चार्ज है पूरा सरफेस पे है क्यू है, या थ्रू आउट द वॉल्यूम क्यू है तो बाहर सरफेस पे आर डिस्टेंस पे होता है। बट यहाँ तो हेमिस्फेयर रीजन में चार्ज है तो चार्ज का कौन देखोगे ना कि कॉम्बिनेशन भी कैसा है, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी तो थिंक करना पड़ेगा ना। बस क्यू कैसे भी देख लेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो। नहीं लिख सकते ना। नहीं सर। और बताओ और क्या किए हो। क्लास के बातों को याद नहीं रख रहे हो, बहुत बड़ा गलती है। ऐसा मैंने एक बताया था, किधर बताया था, शायद इसीलिए बताया था। ये देखो वेरिएबल डेंसिटी, ये वाला क्लास में लिया था, क्या था ना ये। देखो यहाँ पे याद आया कुछ, देखो देखो जल्दी तो स्क्रीन पे है तुम्हारे। हाँ सर समझ। याद आया। हाँ सर। तो ये वाला चीज भूल गए थे, मतलब याद था लेकिन इस क्वेश्चन पे यूज करना है वो भूल गए थे। क्या करोगे फिर अब, देखो एक तो फंडामेंटल मेथड है तुम्हारा जो इंटीग्रेशन से करोगे, यहां से तुम अपना ये थीटा एंगल ले लो और पूरा सिमेट्री में स्क्वायर करके फ्लक्स निकाल लेंगे और उससे हाँ डी थीटा ले लो, थीटा तो ऐसे ही किए हैं सर। एक रिंग मिल गया तुमको ऐसे, अब रिंग के कारण उसके सेंटर पे फील्ड मालूम है हमको, तो रिंग का मान लो कि ये छोटा सा चार्ज ना DQ है तो रिंग के कारण सेंटर पे फील्ड मालूम है, ई इधर ही आएगा। अब यहाँ से ये डिस्टेंस मिल गया, ये r cos थीटा है और ये r sin थीटा है, तो रिंग के कारण सेंटर एक्सिस पे फील्ड होता है KQX। अब x के जगह हो गया r sin थीटा डिवाइड बाई इसका रेडियस, तो रेडियस है r cos थीटा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है r sin थीटा है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/3 लिख दिया ही। अब टोटल फील्ड चाहिए तो इसी को इंटीग्रेट कर दोगे कहां से कहां, थीटा जीरो से लेके पाई बाय टू तक इंटीग्रेट कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन भी टफ नहीं है, सिंपल वाला ही इंटीग्रेशन है, बस डी क्यू का वैल्यू इलिमिनेट कर दोगे यहाँ पे। डी क्यू कितना आ गया, डी क्यू का वैल्यू हो गया बताएं सिग्मा मल्टीप्लाई आर डी थीटा इंटू 2πr 2πr, रेडियस इसका देखोगे तो रेडियस इसका क्या है आर कॉस थीटा, तो सिग्मा मल्टीप्लाई लेंथ लिख दिया और आर डी थीटा। अब इसी को इंटीग्रेशन करना है जीरो से पाई बाय टू तक, फील्ड मिल गया। बोलो क्लियर है। हाँ सर क्लियर। अब और आगे बताओ फिर क्या करना है, खत्म हो गया तो सर सारा। और कोई कोई बचा है जिसमें जो नहीं बना है। नहीं सर आपने सब कुछ कर दिया। एक ये अच्छा प्रॉब्लम था, बट देखो मेरे से ज्यादा पूछोगे कैसा आजकल का ट्रेंड कैसा है
तो 10 नंबर 5 नंबर वेरिएबल डेंसिटी तो बहुत बार किए, ये तो आईटी का पूछा ही हुआ है, ये किए ही। ये भी थर्ड नंबर बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो हम लोगों ने किया था, इसमें भी बहुत डांट खाए थे तुम लोग। ये भी वेरिएबल डेंसिटी है, मैंने खाया था। ये कैविटी वाला, ये सब क्लास में किए हम लोग। तो अगर पूरा देखोगे ना तो सब एक ही जैसा चलते रहता है। ये भी है रो वन रो टू का, ये भी है। अब ये भी तुम्हारा इंटीग्रेट करना है, एलिमेंट लेना है, यहाँ पे पूरा चार्ज नहीं है, यहाँ से फिर एक रिंग लोगे, एलिमेंट इंटीग्रेशन कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ये भी उसी टाइप का है। अब यहाँ पे रिंग और स्फेरिकल चार्ज के बीच का फोर्स पूछ रहा है, रिंग और स्फेरिकल चार्ज के रीजन का फोर्स पूछ रहा है, तो जरा याद करो। रिंग के कारण यहाँ पे फील्ड लिख दो, इसके सेंटर पे लिख देंगे सर। एक बार में आ जाएगा रिंग के कारण सेंटर पे फील्ड। हाँ सर, हाँ सर। पूरा जो स्फेयर है वो कोई अगर बाहर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो स्फेयर का फील्ड कैसा आता है, पॉइंट चार्ज की तरह बाहर में। अगर कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और बाहर में किसी के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो किस तरह का इंटरैक्शन शो करता है, वो पॉइंट चार्ज की तरह। हाँ सर। तो ये बिहेवियर शो करता है बाहर में किसी चार्ज के साथ इंटरैक्शन से, पॉइंट चार्ज की तरह। तो इसलिए इसका फील्ड सेंटर पे लिख दो और इसका सारा चार्ज यहाँ कंसेंट्रेट कर दो और आराम से लिख देंगे, समझ गए। अब अगर कोई बोलेगा कि मैं स्फेयर का यहाँ पे लिख दूं और रिंग को मैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज मान लूं तो गलत हो जाएगा। स्फेयर का फील्ड मैं यहाँ लिख दूं रिंग के सेंटर पे और रिंग के चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे रख दूं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिंग कभी भी पॉइंट चार्ज की तरह सेंटर पे बिहेव नहीं करता है, वो तभी करता है जब रिंग से वेरी वेरी हाई डिस्टेंस पे बहुत दूर अगर कोई पोजिशंस है तभी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। बट रिंग अपने सेंटर पे बाहर वाले के कारण वो पॉइंट चार्ज का बिहेवियर शो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को रिंग के कारण स्फेयर के सेंटर पे फील्ड लिख देना होगा। और वो बहुत आसान है, एक बार में लिख सकते हो फील्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला है के क्यू, क्यू का वैल्यू 2q है, एक्स का वैल्यू 2r हो गया, के क्यू एक्स डिवाइड बाई रेडियस तो आर स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो गया 2r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, ये फील्ड लिख दिया। अब इसी में मल्टीप्लाई कर दो स्फेयर के चार्ज से, क्यू से, तो ये फोर्स आ गया हमारा, समझे इसको भी। हाँ सर, क्लियर है सबको यही। हाँ। अगर तुम स्फेयर के रीजन से बाहर में फील्ड लिखते और रिंग का चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते तो गलत हो जाता और आंसर भी ये नहीं आता, दूसरा आ जाता। वो इसलिए क्योंकि रिंग कभी भी अपने सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर नहीं शो करता है। ये बात भी क्लियर है सबको। यस सर। 42 ये सब तो डिस्कस हो गया है, ये बना लेना 41, ये भी आईटी का पूछा हुआ है क्वेश्चंस, इजी है, ऐसे टफ नहीं है, बट रिलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। ये वेरिएबल डेंसिटी अगेन, ये तो पहले भी दिया था, ये सब क्लास में हो चुका है। ये कैविटी वाला, ये लार्ज सीट का जानते हो क्या दिया हुआ है, लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, तो सीट के कारण फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इतना डिस्क का, अब डिस्क का यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड हो गया, फॉर्मूला याद रखना होगा कि डिस्क का लार्ज डिस्क तो है नहीं ना, फाइनाइट डिस्क है, तो डिस्क का फील्ड तो यहाँ पे इतना में ना माइनस चार्ज रख लो, माइनस डेंसिटी वाला, माइनस रो का, टोटल का फील्ड इधर है और माइनस का फील्ड डिस्क के कारण एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस का फील्ड माइनस है, टुवर्ड्स हो जाएगा और टोटल फील्ड दिया हुआ है, ए का वैल्यू पूछ रहा है, घटा देंगे हो जाएगा। ये भी 6 नंबर, ये सर बन गया सर। हां सर बन गया था, बाकी ये सब तो पहले हो ही चुका है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर्स क्लास में कर दिए दोनों मेथड से, ये हो गया था ना क्लास में। अब ये देखो, ये जो किया था ना ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है और ये अभी अभी का लेटेस्ट ट्रेंडिंग में है, अभी एडवांस हर एक साल 2 क्वेश्चन सिर्फ इसी पे, एक तो ये और एक दूसरा वेरिएबल चार्ज या कुछ और करके पूछ रहा है,
ये सब सिंपल है, ये सब पहले कर चुके हो, सब डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड है, ये भी सब कर चुके हो, ये भी देखो वही गौसला से है, सरफेस को समझना पड़ेगा, ये भी, ये सब तो क्लास में बहुत बार कर चुके हो, तो क्लियर है सब सारा तो अब? हाँ सर क्लियर। सर कुछ और प्रॉब्लम डाल दीजिए सर, किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो सर, कुछ और प्रॉब्लम सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, और मैं जो अभी जैसे ये पोटेंशियल ये सब जो आज हम लोग किए ना, और पोटेंशियल से रिलेटेड तो वो सब करेंगे, बट फील्ड से तुम्हारा जितना अभी तक हुआ इससे ज्यादा कहीं प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस गेन करो और भी क्वेश्चंस में डाल, ठीक है? ठीक है सर, चलो थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर।